और इधर बिहार के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में केंद्र सरकार की पहल पर बनेगा 1000 बेड वाला कोरोना अस्पताल। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। इसके तहत जल्द ही सूबे में 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पताल का निर्माण होगा। जमीन का सर्वे करने के लिए केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को जिम्मा दिया है। शनिवार को दिल्ली से आई DRDO के 3 सदस्यीय टीम ने चक्कर मैदान और झपहा स्थित CRPF की जमीन का सर्वे किया। जमीन का जायजा लिया टीम ने, फोटो और वीडियो ही बनाए। इसके बाद टीम पटना लौट गई। रविवार को टीम पटना के दानापुर रेलवे और अन्य केंद्रीय संगठन की खाली पड़ी जमीन का सर्वे करेगी। सर्वे के संबंध में मिलिट्री स्टेशन हेडक्वार्टर के CEO लेफ्टिनेंट कर्नल PS नाइक ने पुष्टि की है। बताया कि टीम के साथ सर्वे के दौरान वह भी मौजूद थे। चक्कर मैदान में टीम करीब 15 मिनट तक रुकी। इसके बाद वहां झपहा स्थित CRPF के सेक्टर मुख्यालय के लिए रवाना हो गई। चक्कर मैदान में सर्वे के दौरान जब टीम पहुंची तो जल जमाव देखकर अचंभित रह गई। मैदान में घुटने भर पानी था। CRPF मैदान में भी जल जमाव मिला। सूत्रों की माने तो जल जमाव के बीच अस्थायी अस्पताल बनाना DRDO के लिए मुश्किल है। केंद्रीय सरकार की पहल पर दिल्ली में DRDO ने 1000 बेड वाला अस्पताल का निर्माण किया है। वहां सिर्फ कोरोना मरीज का इलाज हो रहा है। इसी तर्ज पर केंद्र सरकार ने बिहार में भी कोरोना के इलाज के लिए बड़े अस्पताल का निर्माण करने का निर्णय लिया है। तो ये बिहार वासियों के लिए खुशखबरी भरी खबर है कि जहाँ पर बिहार में केंद्र सरकार की पहल पर 1000 बेड वाला कोरोना अस्पताल का निरीक्षण होना है और इस पे तैयारी भी शुरू कर दी गई है। यह तैयारी DRDO को दिया गया है कि जमीन का सर्वे करके वहाँ 1000 बेड वाले कोरोना अस्पताल का निर्माण किया जाए।